हेलो गाइस, अगर आप भी रैपिडो में काम करना चाहते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों ये ऐप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्ले स्टोर है इसे ओपन कर लेना है। वहाँ पर फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है रैपिडो बाइक टैक्सी एंड ऑटो। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यह वाला ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आगे इसके ऊपर आपको आपकी आईडी कैसे बनानी है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ सके। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर कोई और जॉब करते हो और अगर आपको इवनिंग में थोड़ा सा भी समय मिल पाता है 2 से लेकर 4 घंटे का, तो आप दोस्तों इससे और भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आप इसके ऊपर 4 से 5 घंटे में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर सबसे पहले आपको जो आपका लैंग्वेज है उसे यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और जो आपका व्हीकल है उसकी RC वगैरह सब कुछ इसमें डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल नंबर है उससे यहाँ पर इसको आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर जो आपकी सिटी है वो यहाँ पर आपको आके सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी सिटी है आप यहाँ पर आके इसको सेट कर लेना और उसके बाद में आपको यहाँ से कंफर्म सिटी कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर ही आपसे ये पूछेगा कि भाई आप अपनी बाइक लगाना चाहते हो या फिर आपके पास कोई टैक्सी है वो लगाना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ लगा लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या डालना है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो डालना है, फिर इसके अंदर आपका जो प्रोफाइल इंट्रो है वो डालना है और जो आपका बाइक का जो RC होगा दोस्तों वो डाल देना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद में दोस्तों जो आपका प्रोफाइल है मतलब जैसे आपका नाम डाल दिया और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर दोस्तों सारा कुछ आपको डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपका व्हीकल RC है इसके अंदर दोस्तों आपका जो RC है उसका लेफ्ट राइट का फ़ोटो इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद में ये जो इंटर व्हीकल नंबर है यहाँ पर जो आपका दोस्तों व्हीकल है उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद में इसको यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप इसका फ़ोटो लें तो वो वाला फ़ोटो एकदम दोस्तों साफ होना चाहिए और एकदम अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों जो आपका ID का वेरिफिकेशन है वो हो नहीं पाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर आधार और दोस्तों PAN का ऑप्शन आएगा, उसमें से जो भी आपके पास ID है आप यहाँ पर ले सकते हो और दोस्तों एकदम सेम तरीके से इसका भी जो आगे का और दोस्तों पीछे का फ़ोटो है वो यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर दोस्तों ऐड कर देना है, जैसे आपका नाम हो गया और आपका अकाउंट नंबर हो गया, IFC जो इसका होता है बैंक का कोड हो गया दोस्तों, मतलब ये आपको अच्छे से यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों आपको इसको यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो ये जो आपका पेमेंट मेथड है यहाँ पर हो चुका है ओके। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ वीडियो आएंगे, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको दोस्तों ये वाले जो सारी वीडियो है ये यहाँ पर देख लेने अच्छे से और उसके बाद में दोस्तों जो आपकी रैपिडो की आईडी है दोस्तों वो यहाँ पर ठीक तरह से बन जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर ऑन ड्यूटी आ सकते हो और दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से वर्क कर सकते हो।